मुफ्ती तारिक मसूद साहब के मज़ीद बयानात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जज़ाकअल्लाह। तो ख़वातीन की भी बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है फीडिंग में, इसी तरह बच्चे की विलादत में, तो उसकी एनर्जी को अगर उसकी रिकवरी हो जाए ना, यानी दोबारा से अच्छी खुराक मिले उसको और प्रॉपर मिले, तो ये उसके लिए और अच्छा होता है। समझ में आ रही है बात? और फिर ऐसी सूरत में जितना भी खाएंगी मोटापा नहीं आएगा, बल्कि बॉडी मुकम्मल रिफ्रेश हो जाएगी, ब्लड सारा निकल के जाया हो जाता है, दोबारा बनता है नया खून, तो सेहत डबल हो जाती है, अच्छी हो जाती है, देर से बुढ़ापा आएगा। अब इसके लिए कॉमन सेंस चाहिए, डॉक्टरों की रिपोर्टें ये बात समझने के लिए ना, एक अदद दिमाग में क्या होनी चाहिए, मगज होना चाहिए समझने के लिए, तो फिर ये बातें समझ में आएंगी, वरना फिर वही कोलू के बैल की तरह चलते रहो जहां मुआशरा जा रहा है। बेड़ा गर्क कर दिया आजकल फैमिली प्लानिंग वालों ने, खवातीन की सेहत का हाल देखो, दो बच्चे चाहिए, तीन बच्चे, बच्चों रोकने के लिए जो वक्फे के तरीके हैं वो किस कदर जहरीले तरीके हैं। एक मुसीबत फितरत से हटकर अपना दुनिया का भी नुकसान, आखिरत का भी नुकसान, सेहत का भी नुकसान, और जो हमल रोकने के लिए जो गोलियां और इंजेक्शन और जो मसनूई तरीके हैं वो जहनी तौर पर भी मेंटली भी डिस्टर्ब कर देते हैं। तलाकों की बहुत बड़ी वजह यह है, क्योंकि जब खवातीन हमल रोकने की कोशिश करती हैं, जितनी भी दवाएं इसमें आ रही है ना, मेंटली डिस्टर्ब करती हैं, चिड़चिड़ापन पैदा करती हैं। जब चिड़चिड़ापन होगा तो मियां की बात का तमीज से जवाब, लेकिन फैमिली प्लानिंग वालों को इन चीजों की कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं बेड़ा गरक हो जाए, तलाके हो जाए, हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बच्चे रोको बस। और हम उसी कोलू के बैल की तरह उनके पीछे, कोलू के बैल को जब घुमाया जाता है ना, कोलू का बैल देखा है भाईजान, बैल होता है वो गांव देहातों में ना घूम रहा होता है, उसके आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और गले में घंटी, गले में घंटी इसलिए कि मालिक को पता रहे कि चल रहा है ये, टन 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 आवाज आ रही है, पट्टी इसलिए बांध देते हैं कि उसको बेवकूफ बनाया जाता है कि तुम्हें हम लॉन्ग रूट पे लेके जा रहे हैं, इस इलाके से तुम्हारी हिजरत हो रही है, तुम ये इलाका हमेशा छोड़ के, यहां तुम्हें रोजाना आटा पिसवाया जाता है तुम्हारे जरिए से, चलो ये वतन छोड़ के, क्या ख्याल है, कैस जंगल में अकेला है, जाने दो, खूब गुजरेगी मिल बैठेंगे जब दीवाने दो, सही ना, वो भी अकेला है तो हम भी उसी के पास जाके बैठ जाएंगे। तो उसकी आंखों में पट्टी बांध देते हैं और बैल चलता है, लॉन्ग रूट पे जा रहा है, हालांकि वहीं घूम रहा होता है, ठीक है ना। तो ये जो फैमिली प्लानिंग वाले और ये जिस किस्म की आपकी मीडिया ट्रेनिंग कर रहे हैं ना आपकी, तो आप कोलू के बैल की तरह, सबकी जबान पे एक ही लफ्ज है, तरबियत नहीं हो सकेगी, खर्चे कहाँ से पूरे होंगे, एक्चुअली ये वो जमाना नहीं है जो पुराना वाला जमाना था, एक्चुअली ये वो पहाड़ों पत्थरों का दौर नहीं है, ये सब गिनतियां हैं जो सिखाई जा रही हैं, समझिए पटियां हैं जो पढ़ाई जा रही हैं, तुम्हारी सेहत भी बर्बाद, तुम्हारा घर भी खुशहाल नहीं बनेगा, जब नस्ल नहीं होगी तो क्या चचे, क्या मामू, क्या भतीजे, क्या नवासे, क्या दामाद, क्या बहू है, सब सेटअप तेल हो गया, चेहरों पर खुशियों के आसार नहीं होंगे, क्योंकि जरा सी उम्र बढ़ती है तो पैसा किसी काम का नहीं रहता इंसान के, उससे ना बातें कर सकता है ना दिल के राज, खुदा की कसम वो गरीब अच्छा है जिसको, जिसके रिश्तेदार हैं और उसकी, उसके गम और उसमें उसकी खुशियों में और गम में शिरकत करते हैं, जाओ उन दौलतमंदों के हालात जाके देखो उनका बुढ़ापा कैसे गुजर रहा है जिन्होंने नस्लें रोकी हैं। खैर, तो कोलू के बैल बनने की कोशिश ना करें, थोड़ी सी सेंस इस्तेमाल कर लिया करें। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? फिर भी नहीं है तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला समझने की अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।